दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th की इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, व्हाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा यंग सीगुल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था, और क्या ये सभी बर्ड्स के साथ होता है जो कि अपनी पहली उड़ान करते समय डरते हैं? डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? और क्या एक ह्यूमन बेबी यानी एक छोटे बच्चे के लिए भी ये चैलेंज होता है कि जब वो अपना पहला कदम रखता है यानी चलना सीखता है, क्या उसके लिए भी एक चैलेंज होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर पढ़ लेते हैं पहले। तो आंसर में कह रहा है, द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगुल उड़ने से इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। और उसको ये डर था कि मैं गिर ना जाऊं और मुझे चोट ना लग जाए। अब अगर उड़ेगा तो गाइस उसको कहीं चोट भी लग सकती है, कहीं गिर भी सकता है वो। तो उसको डर था कि मैं गिर ना जाऊं और मुझे चोट ना लग जाए। ही थॉट डैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। उसको ये लगता था कि जो से उसके पंख हैं, उसके विंग्स हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय। यस, इट इज नेचुरल डैट डूइंग समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम इज ए बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल। हाँ, ये प्राकृतिक है कि अगर हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा डर लगता है, और हमारे लिए वो चैलेंज भी एक टाइप से होता है। आगे चलते हैं। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, सभी बर्ड्स मतलब ऑल बर्ड्स, सिर्फ यंग सीगुल नहीं, सभी के सभी बर्ड्स अपनी पहली उड़ान करते समय डरते हैं, अफ्रेड करते हैं। सिमिलरली, ए ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। और ऐसा ही एक ह्यूमन बेबी के साथ भी यानी एक छोटे बच्चे के साथ भी है जो कि अपना पहला कदम रखने से डरता है, लेकिन वो रखता है और गिरता है, फिर उठता है, ऐसे ऐसे करते वो चलना सीख जाता है और किसी का भी सपोर्ट नहीं लेता है। तो गाइस, ये था क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना। आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।